The question given is to find the sum of all numbers greater than 10,000 formed by the using the digits 0, 1, 2, 4 and 5. No digit being repeated in any number. अब 0 को तो हम इधर use नहीं कर सकते, तो starting place में हम 1 को use करेंगे. तो हमारे पास कितने digits बचेंगे? 0, 2, 4, 5. ये होगा 1, 2, 3, 4. ये जो digits है वो इन 4 places में आएंगे. तो इनको arrange करने के ways कैसे हो सकते हैं? तो हर प्लेस में डिजिट्स 4, 4, 4, 4 कोई भी कभी भी जा सकते हैं. तो हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4, दैट इज 256 वेज. अब इन 256 वेज में हर एक डिजिट एक ही बार एक प्लेस में होगा. जैसे कि अगर हमने 5 को यूनिट्स में रखा, तो ये फिर 5 टेंस में भी आ सकता है. इसलिए अगर वंस प्लेस में अगर हम देखते हैं, तो वंस प्लेस में डिजिट्स कितनी बार होंगे? 256 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 64 टाइम्स. सिमिलरली टेंस में, हंड्रेड्स में और थाउजेंड्स के प्लेस में जो डिजिट्स होंगे वो होंगे हमारे पास 64 टाइम्स. अब 64 टाइम्स हमारे पास जो वन में अगर हम देखें, 64 टाइम्स जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो है, उनका सम करें अगर हम, तो वो होगा 0 + 2 + 4 + 5, ये आएगा हमारे पास. सिमिलरली अगर टेंस में अगर हम देखें, तो वो हमारे पास आएगा 64 × 0 + 2 + 4 + 5 × 10. हंड्रेड में देखें तो 64 × 0 + 2 + 4 + 5 × 100, और ये हो जाएगा 64 × 0 + 2 + 4 + 5 × 1000, थाउजेंड के प्लेस में. तो अगर हम देखेंगे तो ये जो सारे नंबर्स हैं इनका जो सम होगा वो हो जाएगा 64, अगर कॉमन 64 × 0 + 2 + 4 + 5 कॉमन ले लें, तो होगा 1 + 10 + 100 + 1000 + 2 × 10, सॉरी 1 है हमने फर्स्ट को 1 पे रखा था और वो 10^4 की पोजीशन पे, तो 1 × 10^4 ये आ जाएगा. ये तो तब आया जब हमने 1 को 10,000 की प्लेस पे रखा था. अगर हम वहाँ पे 2 को रखें, 2 को फिक्स करें, तो हमारा नंबर होगा 64 × 0 + 1 + 4 + 5 × 1 + 10 + 100 + 1000 + 2 × 10^4. अगर हम 4 को फिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा 64 × 0 + 1 + 2 + 5 × 1 + 10 + 100 + 1000 + 4 × 10^4. फिर अगर हम 5 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 64 × 0 + 1 + 2 + 4 × 1 + 10 + 100 + 1000 + 5 × 10^4. तो हमें इन सारे सम को ऐड करना होगा, तो ही हमें हमारा रिक्वायर्ड सम मिलेगा. तो रिक्वायर्ड सम जो है वो हो जाएगा 64 × अगर हम देखें 0 + 1 + 2 + 4 + 5 × 1 + 10 + 100 + 1000 × 3. ये हमने 3 किया है क्योंकि 3 बार रिपीट, ये जो जितने भी टर्म्स है 3 बार रिपीट होंगे इसलिए. प्लस 10^4 कॉमन ले लें तो 1 + 2 + 4 + 5, तो ये हमें मिलेगा. अगर हम इसको देखें तो 64 × 3, दैट इज़ ये हमारे पास आता है 192 × 1 + 2 = 3 + 5 = 8 + 4 = 12, तो ये 12 हो जाएगा. × 1 + 12 × 10^4, तो अगर हम 12 को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 1111 × 192 + 10^4, that is equal to 267974. So our answer is 267974. So this is our solution.